इस लेक्चर में हम क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का ज्ञान करने के लिए आवश्यक होती है। क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। ये चार प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्याएं जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, दिग्गजीय क्वांटम संख्याएं स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है और चक्रम क्वांटम संख्याएं जिसमें स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्याएं इस क्वांटम संख्या को छोटे एन अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान 1, 2, 3, 4 होता है। ये क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में कोष को बताती है, कक्षा को बताती है, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। इस क्वांटम संख्या की खोज बोर ने की। इस क्वांटम संख्या के लिए एन बराबर 1 के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार KLMNOP, यदि अगर एन बराबर 1 होगा तो KSHELL, एल बराबर 2 होगा तो LSHELL, एल बराबर 3 होगा तो MSHELL, एन बराबर 4 होगा तो इस तरह से, इस प्रकार से ये क्वांटम संख्याएं बताती हैं। ये क्वांटम संख्याएं किसी ऊर्जा स्तर या किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताती है, जिसे 2n² से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वांटम संख्या ये बताती है कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे, यदि n बराबर 1 हो तो उसे k कहते हैं, यदि n बराबर 2 हो तो उसे l कहते हैं, यदि n बराबर 3 हो तो उसे m कहते हैं, 4 हो तो n कहते हैं। ये क्वांटम संख्याएं किसी नाभिक में, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में भी जानकारी देती है। ये क्वांटम संख्याएं उस कक्षा की त्रिज्या बताती है। ये क्वांटम संख्याओं के द्वारा उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की जानकारी मिलती है। और ये क्वांटम संख्याओं का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है और कक्षाएं भी बढ़ती हैं। दूसरी कक्षाएं दिग्गजीय क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है और एल का मान एन के बराबर पर निर्भर करता है। इसका मान 0 से प्रारंभ होता है और n-1 तक अधिकतम होता है। यदि n बराबर 1 रखें तो L बराबर 0 होगा। इस प्रकार n बराबर 2 रखें तो L का मान 0 और 1 आएगा। ये क्वांटम संख्याएं उपकोष के बारे में बताती हैं और इस क्वांटम संख्याओं की खोज सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की। इन क्वांटम संख्याओं को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में उपकोष को, उपकक्षा को, रूप ऊर्जा स्तर को बताती हैं। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग निकालने में मदद करती है। इन क्वांटम संख्याओं को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार SPDF उपकोषों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि L बराबर 0 होगा तो S होगा, यदि L बराबर 1 होगा तो P, L बराबर 2 होगा तो D, L बराबर 3 होगा तो F, इस प्रकार, जहाँ SPDF शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज़ और फंडामेंटल से ये चारों शब्द का उपयोग किया गया है जो कि रेखीय स्पेक्ट्रम में काम आते हैं। किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×2L+1 द्वारा भी ज्ञात की जाती है। इस आधार पर S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। किसी उपकोष की संख्या उस
कक्षा में जितनी कोश होते हैं उसके बराबर होती। ये क्वांटम संख्या कोश की आकृति के बारे में बताती है, उसकी आकृति कैसी है। यदि एस उपकोश है तो आकृति गोलाकार, यदि पी उपकोश है तो डंबल आकृति, यदि डी डी उपकोश है तो डबल डंबल आकृति, और एफ उपकोश कॉम्प्लेक्स प्रकार की आकृति बताती है। तीसरी क्वांटम संख्या जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान एल के मान पर निर्भर करता है। इसका मान माइनस एल से प्लस एल के बीच में होता है। एम के कुल मान 2L+1 से ज्ञात किया जाते हैं और इस क्वांटम संख्या की खोज लिंडे नामक वैज्ञानिक ने की। और यह क्वांटम संख्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को समझाता है। जब किसी परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग प्रदर्शित कर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से एक परमाणु में उपस्थित उपकोश एक या एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे कक्षकों का अभिविन्यास कहते हैं। अतः ये क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को बताती है। द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षकों की आकृति के, जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास को बताती है। इस आधार पर एस की आकृति गोलाकार, पी की आकृति डंबलाकार, डी की डबल डंबलाकार और एफ की आकृति कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र रूप में होती है। फोर्थ नंबर की क्वांटम संख्या चक्रम क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी स्वयं की अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण सिर्फ दो प्रकार का हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो इस क्वांटम संख्या का मान +1/2 होता है, जबकि यदि वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मान इस क्वांटम संख्या का मान -1/2 लिया जाता है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा हम चक्रण कोणीय संवेग भी ज्ञात कर सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनमें चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न हो सकता है। जब किसी भी कक्षक में तीसरा इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के चक्रण समतुल्य हो जाते हैं, इस कारण से एक कक्षक में अधिकांश दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आता है। इस प्रकार चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं, जिसे प्रथम क्वांटम संख्या जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षा को बताती है और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके ऊर्जा स्तर को भी बताती है। इसका मान 0 कभी नहीं होता, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होता है। जबकि दूसरी क्वांटम संख्या जिसे द्विगुणित क्वांटम संख्या कहते हैं, इसका मान स्मॉल एल होता है और ये इसका मान 0 से प्रारंभ होता है और अधिकतम n-1 तक होता है। यदि वह 0 होगा तो जिसे हम S कहते हैं, यदि 1 होगा तो P, 2 होगा तो D और 3 होगा तो F से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि तीसरी क्वांटम संख्या जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, ये उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है, जिसका मान -L से प्रारंभ होकर +L के बीच में होता है। जबकि चौथी क्वांटम संख्या जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, यह किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इस क्वांटम संख्या का मान +0.5 या -0.5 होता है, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन के चक्रण पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रॉन
क्लॉकवाइज दिशा में चक्रित करता है तो प्लस हाफ, और यदि वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चक्रण करता है तो माइनस हाफ होता है। इस प्रकार क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। धन्यवाद।